Assalamu Alaikum, dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for Great Trend, and today we are going to complete the topic coordinated action components. So, dear students, coordinated action ke panch components. The. the first is the stimulus, the second is receptor, the third is coordinators, the fourth is effectors, and the fifth one is the response. This the previous lecture we have discussed. discuss. फर्स्ट टू कंपोनेंट्स, द फर्स्ट वन इज स्टिमुलस उसको हमने डिफाइन किया था कि स्टिमुलस एनी चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वामेंट इज़ कॉल्ड एज स्टिमुलस विच कैन प्रोवोक आ रेस्पॉन्स वो स्टिमुलस एक्सटर्नल भी हो सकता है इन्वायरमेंट से आया हुआ और वो इंटरनल इन्वायरमेंट से भी हो सकता है दूसरा इसका कंपोनेंट जो हमने डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए जो स्ट्रक्चर होंगे जो ऑर्गन्स होंगे जो टिश्यूज़ होंगे जो सेल्स होंगे उनको हमने नाम दिया था रिसेप्टर्स का और रिसेप्टर्स याद रखेगा डियर स्टूडेंट्स वो एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को ही रिसीव कर सकते हैं यानी कि जो फोटो रिसेप्टर्स हैं वो सिर्फ लाइट के स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकते हैं जो हेयरिंग के रिसेप्टर्स हैं वो सिर्फ साउंड वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं जो वाइब्रेशंस के लिए हैं वो सिर्फ वाइब्रेशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं जो पेन के लिए हैं वो सिर्फ पेन के स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकते हैं डियर so, स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि हर स्टिमुलस के लिए एक पर्टिकुलर रिसेप्टर मौजूद है हमारी बॉडी के अंदर अब तीसरा अहम कंपोनेंट एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन का है दैट इज द माय डियर स्टूडेंट्स इसके नाम से ही जाहिर है कोऑर्डिनेटर्स यानी कि ये इंटरमीडिएट्स हैं बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रेस्पॉन्स ये इनके फर्स्ट पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट के बिल्कुल सेंटर में मौजूद हैं इनका क्या काम होता है ये इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं रिसेप्टर से और फिर उसको पास करते हैं टू द इफेक्टर्स ताकि एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जा सके माईडियर स्टूडेंट्स दो तरह की कोऑर्डिनेशन का हमने जिक्र किया था एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरी केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन हमने कहा था कि वो वाली कोऑर्डिनेशन है जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होगा और केमिकल कोऑर्डिनेशन ऐसी कोऑर्डिनेशन की टाइप है जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड शामिल होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स तो इन दोनों में जो कोआर्डिनेटर्स होते हैं दोनों टाइप की जो कोऑर्डिनेशंस हैं इनमें जो कोआर्डिनेटर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं नर्वस कोआर्डिनेशन के वाले से तो नर्वस कोआर्डिनेशन के अंदर जो कोआर्डिनेटर्स हैं दैट इज द्रेन एंड स्पाइनल कॉड यस माई डेर स्टूडेंट्स ब्रेन और स्पाइनल कॉड ये मैसेज को रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं किसके ज़रिए बाय द वे ऑफ न्यूरोन्स जो कहाँ से लेकर इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं फ्रॉम द रिसेप्टर्स और रिसेप्टर से वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से हासिल की फ्राम द स्टमुलस और फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं यानी उसको जाँच पड़ताल करते हैं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन आई है और फिर उसको इंटरप्रेट करने के बाद फिर मोटर न्यूरोन्स के जरिए यानी न्यूरोस की एक टाइप है उसी के जरिए फिर इफेक्टर्स तक भेजा जाता है और यहाँ पर फिर इफेक्टर्स क्या करते हैं वो एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं तो नर्वस कोआर्डिनेशन के अंदर मायडे स्टूडेंट्स जो कोआर्डिनेटर होंगे डिवेलपिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉड जी स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जो ब्रेन है ब्रेन ये हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है मैंने इसके एग्जांपल से समझाया था कंप्यूटर के एग्जांपल में कि कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ज़िम्मे होती हैं वही उसको इंफॉर्मेशन रिसीव भी करता है और आगे एग्जीक्यूट भी कर रहा है इसी तरह से हमारा ब्रेन जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव भी करते हैं उसको इंटरप्रेट भी करते हैं और फिर उससे रेलेवेंट जो एक्शन लेने के लिए वो आगे इंफॉर्मेशन पास भी करते हैं टू द इफेक्टर्स इसी तरह से जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है माइडी स्टूडेंट्स उसके अंदर जो कोऑर्डिनेटर कौन होते हैं दे आर द एंडोक्राइन ग्लैंड येस माइडी स्टूडेंट्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनकी डक्ट्स नहीं होती और इसके बरक्स मैंने बताया था कि दूसरे तरह के ग्लैंड जिनकी डक्ट्स होती हैं वो कहलाते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की जो सक्रीशंस होती हैं वो आम तौर पर जूसेस हुआ करते हैं यानी कि ऐसे ऐसी सक्रीशंस जिनके अंदर एंजाइम्स हैं जैसा कि आपने पढ़ा कि पेनक्रियाटिक जूस जो कि पेनक्रिया से सेक्रेट होता है इसी तरह से गैस्ट्रिक जूस यह भी एक सिक्रीशन है जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट हो रही है लेकिन माइल्ड स्टूडेंट्स एंडोक्राइन ग्लैंड कि यहाँ पर कोऑर्डिनेटर का तौर पर काम कर रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन में ये वाले ग्लैंड्स इनकी डक्ट्स नहीं होती तो फिर ये अपनी जो सिक्रीशंस होती हैं इसको डायरेक्टली पोर करते हैं इनटू द ब्लड और वो फिर ब्लड के जरिए वो मूव करती हुई अपने टारगेट टिश्यूज़ तक पहुंचेगी और फिर उस पर प्रॉपर एक पर्टिकुलर रिस्पांस प्रोड्यूस किया जाएगा बल्ड स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो एंडोक्राइन गलैंड होते हैं इनकी भी अच्छी खासी तादाद अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखी है ताकि ये ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस कर सकें जो कि हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन के लिए काम आ सकें और आम तौर पर जो इनके केमिकल्स जो सेक्रेट करते हैं उनको हम हार्मोन्स कहते हैं मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा एंडोक्राइन ग्लैंड की ताकि आपको मजीद क्लियर हो सके जैसे कि पिचुटरी ग्लैंड इसी तरह से एक थायराइड ग्लैंड है जो कि हमारे गले के अंदर मौजूद है अब आते हैं चौथे और अहम कंपोनेंट की तरफ विच आर कॉल्ड एज इफेक्टर्स सो माई डियर स्टूडेंट्स इफेक्टर्स उन ऑर्गन्स को कहा जाता है या ऐसे स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है जो कोऑर्डिनेटर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और फिर प्रोड्यूस करते हैं एक एक्शन तो इंफॉर्मेशन रिसीव करने के हवाले से अगर हम देखें तो हमने बात की थी कि दो तरह की कॉर्डिनेशन हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन भी है और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी है तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में माइड स्टूडेंट्स जो इफेक्टर होते हैं दे आर द मसल्स एंड ग्लैंड्स अब मसल्स में माइड स्टूडेंट्स उनमें से कोई भी टाइप हो सकती है जैसे कि इसमें स्केलेटल मसल भी हो सकते हैं इसमें स्मूथ मसल्स भी हो सकते हैं और इसमें कार्डिक मसल्स भी हो सकते हैं इन तीनों टाइप्स के जो मसल्स हैं ये बेसिकली नर्वस कोऑर्डिनेशन के इफेक्टर्स में शामिल होंगे और इसी तरह से ग्लैंड्स, अब जो ग्लैंड्स हैं खसूसी तौर पर यहाँ पर हम बात करते हैं एंडोक्रेन ग्लैंड्स की और साथ में शामिल होंगे एक्जोक्रेन ग्लैंड्स भी इसी तरह से अगर हम बात करें एंडोक्रेन ग्लैंड्स की यानी कि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन में शामिल होते हैं उनके जो इफेक्टर्स हैं माइड स्टूडेंट्स दे आदर वेरियस टिश्यूज़ जो टिश्यूज़ की शक्ल में होते हैं जिनको हम टारगेट ऑर्गन्स भी कहते हैं वहाँ पर जाकर जो एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी सिक्रीशंस पोर करते हैं ब्लड के अंदर कि अपने टारगेट टिश्यूज़ के ऊपर जाकर वो इफेक्ट शो करें तो जो टारगेट टिश्यू होगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स का वो है बेसिकली उसका इफेक्टर वो एक किडनी भी हो सकता है किडनी के अंदर मौजूद नेफ्रॉन क्योंकि वो भी हार्मोन्स को रिसीव करता है और फंक्शन परफॉर्म करता है जैसा कि हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जब कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाना हो यानी कि हाइपरटोनिक यूरिन बनाना हो तो दो हार्मोन्स का वहाँ पर मैंने डिटेल के साथ जिक्र किया था एक हार्मोन है एल्टोस्टिरॉन जो कि सेक्रेट हो रहा था एड्रिनल कॉर्टेक्स से एड्रिनल कॉर्टेक्स से होता हुआ वो पहुँचता है टू द नेफ्रॉन और नेफ्रॉन में कहाँ पर एक्ट कर रहा था ऑन द थिक लूप ऑफ हैंडले या जिसको हमने कहा था असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैं वहाँ पर एक्ट करके और वहाँ से वो एक्टिव अपटेक करवाता है सोडियम आयंस की ताकि सोडियम आयंस जब बाहर निकलेंगे उनसे और वो इंटस्टिशियम में आएंगे उससे इंटस्टिशियम का जो एनवायरमेंट है वो हाइपरटोनिक होगा तो डिसेंडिंग लिब से ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो बाहर निकल सकेगा क्योंकि वाटर जो है वो हाइपोटोनिक एनवायरमेंट से निकलकर हाइपरटोनिक एनवायरमेंट में जाता है थ्रू सेमीपेमिएबल मेब्रेन यस माइडी स्टूडेंट्स और दूसरा जो हार्मोन नेफ्रॉन्स के ऊपर एक्ट कर रहा है दैट इज वेजोप्रेसिन या जिसको हमने कहा था एंटी एंटीडाइजूरेटिक हॉर्मोन या जिसको हम ए भी कहते हैं ये ए जो है माइडी स्टूडेंट्स दैट इज दैट वॉज सिक्रेटिड फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिचुटरी ग्लैंड और ये किस सूरत में सेक्रेट हो रहा था यह भी उसी वक्त सेक्रेट होता है जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन से सफ़र कर रही हो यानी कि हमारी बॉडी के अंदर पानी की मकदार या उसकी क्वांटिटी कम हो जाए नॉर्मल से तो उस पानी को बचाने के लिए उसमें ए, उसके लॉस को बचाने के लिए फिर ये आकर किडनीज को परैक्ट करता है और किडनीज में कहाँ पर नेफ्रॉन्स में और नेफ्रॉन्स में कहाँ पर आकर एक्ट करता हैस माई डियर स्टूडेंट्स दैट इज़ द कलेक्टिंग ट्रिब्यूल्स जहाँ पर बहुत सारे जो डिस्टल कॉमिटी ट्रिब्यूल्स हैं आकर खुलते हैं और वहाँ से कलेक्टिंग डक्ट के अंदर वो यूरिन पोर करने के बाद बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स मिलकर क्या बनाती हैं पेपेलरी डक्स और पेपिलरी डग फिर आके यूरिन को पोर करती हैं एंड टू द रेंडल पैलवेस सोमाइल स्टूडेंट्स आपने देखा कि यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो इफेक्टर्स हैं वो किस तरह के हो सकते हैं सो सोमाइल स्टूडेंट्स ये तो हो गए चार कॉम्पोनेंट्स द फर्स्ट कॉम्पोनेंट वॉज स्टिमुलस उसको रिसीव करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर रिसेप्टर ने अपनी इंफॉर्मेशन भेजी कॉर्डिनेटर्स को कॉर्डिनेटर्स ने उससे इंफॉर्मेशन रिसीव की फिर उसके बाद उसने इंटरप्रेट की इंटरप्रेट करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को आगे भेजा टू द इफेक्टर्स और इफेक्टर्स ने फिर क्या किया एक्शन परफॉर्म किया यस माय डियर स्टूडेंट्स द फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ अ कोऑर्डिनेटेड एक्शन इज द रेस्पॉन्स तो जब इफेक्टर ने अपना एक्शन परफॉर्म किया अपॉन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर्स द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द इफेक्टर्स इन रेस्पॉन्स टू द इंफॉर्मेशन रिसिव्ड फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर्स इज कॉल्ड एज द रेस्पॉन्स यानी कि इफेक्टर्स ऑर्गन्स को जो इन्फॉर्मेशन मिली किस कहाँ से मिली थी उनको कोआर्डिनेटर से और उसके नतीजे में जो उन्होंने एक्शन परफॉर्म किया वही एक्शन कहलाता है रेस्पॉन्स जैसा कि हमने शुरू में बात की थी कि जो स्नेल है जब उसको टच करेंगे तो वो क्या करेगी टच करना स्टिमुलस है उसके लिए और उसका अंदर चले जाना रिट्रैक्ट कर जाना शेल के अंदर ये रिस्पॉन्स है इसी तरह से सनफ्लावर जो है वो लाइट की तरफ मूव कर रहा है तो लाइट उसके लिए स्टिमुलस है जबकि उस फ्लार का उस सूरज की रोशनी की तरफ मुड़ते जाना ये रिस्पॉन्स है यस माई डियर फ्रेंड्स तो ये पांच इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स एक फ़र्क यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ जो कि नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन के अतबार से ज़रूरी है वो ये के नर्वस कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं न्यूरॉन्स वो इन्फॉर्मेशन को लेकर जा रहे हैं और जा भी रहे हैं जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो परफॉर्म हो रही है थ्रू द केमिकल्स एक केमिकल्स को उसकी कंसंट्रेशन को देख कर और वो डिटेक्ट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और फिर वो मैसेज सेंड करते हैं हॉर्मोन्स की शक्ल में टू द टारगेट टिश्यूज़ पहला फ़र्क दूसरी चीज़ माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन को ले कर जा रहे हैं वो दो टाइप के खास तौर पर न्यूरॉन्स हैं एक जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेकर जा रहे हैं टू द कोऑर्डिनेटर वो सेंसरी न्यूरॉन्स कहलाएंगे और फिर कोऑर्डिनेटर से जो इंफॉर्मेशन लेकर इफेक्टर तक जा रहे हैं उनको हम मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं होता उसमें जस्ट केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी फ्लूड्स के अंदर मौजूद होते हैं उनकी कंसंट्रेशन कम या ज्यादा को डिटेक्ट किया जाएगा वह एंडोक्रिक्ल फिर हॉर्मोन्स रिलीज करेंगे और फिर वो हॉर्मोन्स जाकर टारगेट टिश्यूज के ऊपर एक्ट करेंगे यस माई डेयर स्टूडेंट्स तो ये पांच कंपोनेंट्स आपने याद रखने हैं एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन के इसको एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूँ द फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज स्टिमुलस स्टिमुलस मीन्स एनी चेंज इन एनवायरमेंट द एन्वायरमेंट में बी एक्सटर्नल और इंटरनल विच कैन प्रोवोक आ रिस्पॉन्स तो उसे कहेंगे स्टिमुलस तो so, जब भी एन्वायरमेंट में चेंज आएगी मतलब कि स्टिमुलस प्रोड्यूस होगा उसको डिटेक्ट करने के लिए जो ऑर्गन जो स्ट्रक्चर जो सेल है उसे हम कहते हैं रिसेप्टर और हर रिसेप्टर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस को रिसीव करेगा और फिर रिसीव करने के बाद स्टिमुलस को इन्फॉमेशन सेंड करेगा टू द कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स उस इंफॉमेसन को रिसीव करेंगे और रिसीव करने के बाद फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं इंटरप्रेट करने के बाद फिर वो मैसेज सेंड करते हैं टू द इफेक्टर्स इफेक्टर्स फिर क्या करते हैं कि उस जो इंफॉर्मेशन आई उसके मुताबिक वो एक्शन परफॉर्म करते हैं जो एक्शन इफेक्टर्स परफॉर्म करते हैं उसी को हम कहते हैं रिस्पॉन्स सो डियर स्टूडेंट्स देखा आपने कि ये पांच कंपोनेंट्स किस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन को एक लेवल से दूसरे लेवल पर शेयर करते हैं और फिर एक प्रॉपर स्टिमुलस को किस तरह से रिस्पोंड किया जाता है होपफुली आपको कोऑर्डिनेटेड एक्शन के कंपोनेंट्स का समझ आ गया होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अनटिल देन अल्लाह हाफिज़ अपना ख्याल रखिएगा